बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इनपिच के अंदर लाइन स्पेसिंग को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने एक पैराग्राफ के अंदर या एक पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी लाइनों की स्पेस को कम या ज़्यादा करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट जो कि मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है ओपन कर लिया, और इसके अंदर देखिए मेरे पास ये पंजाब हेडिंग लिखी है, इसके नीचे ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। इसी तरह मैं नीचे लेके जाऊं तो ये देखें मेरे पास कुछ लाइनें मज़ीद लिखी हुई हैं, और यहाँ से मैं अगर पेज को डील करूं तो ये देखें मेरे पास दूसरा पेज है, और दूसरे पेज के ऊपर ये मेरे पास यहाँ तक टेक्स्ट आ रहा है। तो मैं ज़रा फर्स्ट पेज पे आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पेज के ऊपर जो लाइनों की स्पेस है वो कम हो जाए, और जिससे क्या होगा कि मेरे दूसरे पेज पर जो टेक्स्ट आ रहा है यानी कि ये वाला, ये भी पहले पेज पर चला जाए। तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट की लाइनों की स्पेस जो है ना उसे कम कर देंगे। तो लाइनों की स्पेस कम करने का तरीका ये होता है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा एक पैराग्राफ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पे यहाँ आ जाएँ ये वाली, तो ये भी लाइन स्पेसिंग है, और ये भी हमारे पास लाइन गैप कहते हैं इसे। तो लाइन स्पेस को हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें ऑटो है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइन की स्पेस जो है ना, जितना आपका फाउंट का साइज़ होगा, ये देखें हमारा फाउंट का साइज़ कितना है, 15 है, इसमें मिनिमम जो है ना वो आपने 3 या 4, और मैक्सिमम जो है ना वो आपने 6 या 7 ऐड करके इसको बढ़ा देना है। यानी कि यहाँ पे 15 है ना, तो इसकी मैं अगर मिनिमम लाइन स्पेसिंग रखूँगा ना तो 15 + 3 कितनी होगी जी, 18। तो यहाँ पर मैं 18 लिख के एंटर करूँगा, तो ये देखें मेरे पास अब टैक्स कि लाइनों की स्पेस जो है ना वो कुछ कम हो गई है। अगर मैं नीचे देखूं तो ये देखें, तो ये मैंने 3+ किया है अपने फाउंट साइज़ के अंदर। तो इसी तरह देखिए, अगर मैं इसके अंदर 18 के बजाय यानी कि 4 जमा कर लूं तो 19 कर दूं यहाँ पे, तो ये देखिए अब मेरे पास टेक्स्ट भी पढ़ा जा रहा है और क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं कम कर दूँ, जैसे देखिए मेरा 15 फाउंट साइज़ है और लाइन स्पेस भी 15 कर दूँ, तो देखिए क्या होगा, अब मेरे पास टेक्स्ट जो है ना वो इजीली पढ़ा नहीं जा रहा, यानी कि लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है, जिससे जो है नीचे वाली लाइन का जो टेक्स्ट है ना वो इजीली दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने इतना साइज़ रखना है, यानी कि इतनी स्पेस रखनी है कि नीचे वाली लाइन का फॉन्ट भी हमें क्लियर दिखाई दे और ऊपर वाली लाइन के का भी फॉन्ट हमें क्लियर दिखाई दे। तो उसके लिए हमने एटलीस्ट मैंने बताया है कि 4 या 5 आपने प्लस कर देना है, जितना आपका फॉन्ट का साइज़ होगा। तो 15 + 4 मैं करता हूँ, यहाँ पर 19 कर देता हूँ। ये देखिए अब मुझे आसानी से पढ़ा भी जा रहा है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और बढ़ा दें तो हम एक और इसमें ऐड कर देंगे, तो 19 की बजाय मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पास तकरीबन पढ़ा जा रहा है, काफ़ी है। तो नीचे वाले की देखें लाइन स्पेसिंग और इसकी देखें, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए मैं Ctrl+A प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जी, मेरा फॉन्ट साइज़ है जी 15, तो मैं यहाँ पे 18 कर दूँ अगर, तो देखें यहाँ पे मेरी हेडिंग के अलावा देखें ज़रा, तो ये मुझे अभी भी क्लियर से सही से दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से Ctrl+A प्रेस करता हूँ, 18 की बजाय यहाँ से 19 कर देता हूँ। ये देखिए अब आसानी के साथ पढ़ा भी जा रहा है, और अगर मैं नीचे आऊँ तो देखें मेरे पेज के नीचे यहाँ पे मौसम जो था ये नेक्स्ट पेज पे था, यहाँ से आगे जितना भी टेक्स्ट था ये मेरा अगले पेज पे था। तो ये जब लाइनों की स्पेस कम हुई है तो ये मेरा पीछे वाले पेज पे ऑटोमेटिक आ चुका है। ये देखिए अब मेरे मुझे एक पेज के ऊपर सारा टेक्स्ट मिल गया। तो इस तरह से आप लाइनों की स्पेस कम करके अपने पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट ला सकते हैं। तो अगर आप किताब कंपोज कर रहे हैं या फिर आप नोट्स बना रहे हैं, थीसिस बना रहे हैं, तो उसमें आपको बताया जाता है कि इसकी आपने लाइनों की स्पेस कितनी रखनी है, तो आपने यहाँ से देख लेनी है। ये PT के अंदर है, ठीक है, तो ये आपने इस तरह से लाइन स्पेस रख लेनी है। तो अब जो हेडिंग्स है ये वाली, इनकी जो आपने लाइन स्पेसिंग रखनी है ना, ये आपने ऑटो रख देनी है। तो ऑटो के लिए हम यहाँ पे देखें, या तो फिर ये 20-24 कर दें यहाँ पे, या फिर इसको ऑटो कर दें। तो ऑटो के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हेडिंग के ऊपर, और यहाँ पर 0 टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखें ऑटोमेटिक इसके दरमियान स्पेस आ जाएगी हमारी हेडिंग्स के अंदर। इस तरह नीचे वाली हेडिंग के अंदर भी हमने ऑटो करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करें 0 और एंटर।
इसके ऊपर भी क्लिक करें, ज़ीरो और एंटर। तो ज़ीरो करेंगे तो ये ऑटो स्पेस हो जाएगी, यहाँ भी ज़ीरो और एंटर। तो ये देखिए अभी मौसम का थोड़ा सा नीचे टेक्स्ट चला गया है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ से अपने, ये देखिए कुछ जाइज स्पेसिस हैं इनको मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरा ये वाला फ़ॉन्ट साइज़ 15 के बजाय मैं इसको 14 कर लेता हूँ, और इसी तरह ये वाला। तो याद रखें जब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करूँगा ना, तो मेरी लाइन स्पेस भी ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत कम हो जाएगी इनके दरम्यान, ये लें जी। तो ये मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है। तो इसके लिए तरीक़ाकार कुछ एक और भी होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अभी भी देखिए मेरा दूसरे पेज पे टैक्स नहीं जा रहा, बल्कि अब ये पूरा हो चुका है टैक्स, एक पेज पे पूरा आ गया। ओ सॉरी, ये मेरा डॉक्यूमेंट बंद हो गया, मैं दोबारा से ओपन करता हूँ इसको। हाँ जी, तो ये दोबारा से ओपन हो चुकी है। मैंने जो है ना कंट्रोल आल्ट F4 प्रेस कर दिया था गलती से, जिस वजह से मेरा जो इन पेज था बंद हो गया। मैं इसे दोबारा से यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से ओके। तो ये देखिए इसकी लाइन स्पेसिंग जो है वो अभी फ़िलहाल फिर से जो मैंने सेव नहीं किया था वापस आ चुकी है ऑटो पे। तो कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं 19 एंटर, तो ये मेरी लाइन स्पेसिंग सेट हो गई। अब लाइन स्पेसिंग के बाद ये वाली भी लाइन स्पेसिंग है, लेकिन ये लाइन स्पेसिंग नहीं, लाइन गैप कहते हैं इसे। अब लाइन गैप का क्या मतलब है, यहाँ पे देखें तो आपके पास ये इस लाइन और इस लाइन के दरमियान गैप, फिर इस तरह इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो वक्फ़ा है, इसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, देखिए इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए ज़ीरो ना, अगर मैं 1 प्रेस करके एंटर करूँ तो ये देखें मेरे लाइनों के दरमियान गैप बढ़ जाता है, ठीक है। ये इस तरह से आप लाइनों का गैप बढ़ा सकती हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं इसको ज़रा ज़ीरो कर देता हूँ, यानी कि ऑटो पे। लाइन स्पेसिंग और लाइन गैप के बाद आगे आए यहाँ पे हमारे पास ये करेक्टर स्पेस कहते हैं इसको। अब करेक्टर स्पेस से क्या मुराद है, देखिए यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है पंजाब पाकिस्तान का एक सूबा है। अब पंजाब के बाद देखा जाए तो ये देखिए जीम अलिफ जा और बे के दरमियान ये देखिए एक वाइट सी स्पेस आ रही है, इनको कहते हैं करेक्टर स्पेस। इसी तरह बे के बाद यहाँ पे पी पे और बे के दरमियान में आ रही है, ये करेक्टर के दरमियान स्पेस है। अगर हम स्पेसेस को कम कर देंगे तो हमारे पास और ज़्यादा यहाँ पे अल्फाज जो है पास पास हो जाएंगे, जिससे जो है वो हमारा टेक्स्ट पेज के ऊपर या एक लाइन के अंदर ज़्यादा आ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास ज़ीरो है, तो यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करूँ अपने पूरे, चलिए मैं एक लाइन को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ यहाँ तक, ये देखें, और इस लाइन का मैं ज़रा टेक्स्ट या कलर जो है ना चेंज कर देता हूँ, ताकि हमें दिखाई दे कि हमने लाइन स्पेस जो तब्दील की है वो टेक्स्ट कितना था। अब देखिए हमारी लाइन के अंदर जो है ना ये पिंक कलर का टेक्स्ट है। अब हम अपनी लाइन स्पेस को ज़रा कम करें, मैं ज़रा यहाँ से पेज को भी सेट कर लेता हूँ 150 के ऊपर, ताकि आपको भी इजीली दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर करूँ 5 एंटर, अब 5% हमने करेक्टर स्पेस बढ़ा दी है, जिससे देखिए हमारे फॉन्ट जो टेक्स्ट है एक लाइन के अंदर था उसमें से थोड़ा टेक्स्ट नीचे आ गया, क्योंकि हमने स्पेस बढ़ाई है, इसलिए ये टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस था वो बढ़ने से हमारा टैक्स आगे वाली लाइन में शिफ्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक फिर से सेलेक्ट करता हूँ, और 5 के बाद अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो देखें, ये लें, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपने करेक्टर के दरमियान कितनी स्पेस रखनी है। तो नॉर्मली जो है वो ज़ीरो रखी जाती है, जबकि अखबार टाइप करते वक्त या फिर जो हमारे बुक्स होती हैं, इसी तरह हमारे मैगज़ीन्स होते हैं, उनके दरमियान जो टेक्स्ट की स्पेस होती है वो माइनस में रखी जाती है। तो ऑनलाइन स्पेसिंग भी कम से कम रखी जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट हमारी अखबार के अंदर या मैगज़ीन के अंदर या बुक के अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम करते हैं। अब देखिए अब इसके टेक्स्ट का दरमियान जो करेक्टर स्पेस है वो हमने कैसे कम करनी है, तो इसको फिर से मैं इसी तरह सेलेक्ट करता हूँ यही चीज़ ये वाली, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे अगर देखें -5 करूँ और एंटर करूँगा तो देखें ये मेरी माइनस में हो गई। अब फिर से अगर -5 करूँ या ज़ीरो करता हूँ फ़िलहाल मैं, ये देखिए ये ज़ीरो हो गई। अब देखिए ज़रा मैं इस जानब फिर से सिलेक्ट करूँ अपनी पहली लाइन को और यहाँ पर -5 करूँ तो देखें
नीचे वाली लाइन का टेक्स्ट भी मेरा ऊपर की जानब आ गया, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे देखें अब स्पेस जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है, तो इसकी शॉर्टकट की अब आप लिखें करेक्टर स्पेसिंग की कम करने की, तो वो है जी हमारे पास कंट्रोल, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है आपने, F5 और F6, ये वाली इनकी शॉर्टकट की है। तो ये देखो कुछ ज़्यादा ही होगी, यहाँ पे मैं 0 करता हूँ फिलहाल, देखें यहाँ पे क्लिक किया, ये लाइन मैंने सेलेक्ट की। अब देखिए कंट्रोल F6 प्रेस करूँगा तो मेरी करेक्टर स्पेस जो है वो माइनस में होगी, यानी कि कम होगी, ये देखें। अब देखिए इतनी ज़्यादा कम हो चुकी हैं कि मेरे एक करेक्टर के ऊपर दूसरा करेक्टर आ चुका है, जिससे मुझे पढ़ने में भी मुश्किल पेश आ रही है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आप इतनी स्पेस ना रखें, आपने देख लेना है कि कहाँ पे आपकी स्पेस एडजस्ट हो रही है, जिसमें आपको टेक्स्ट भी पढ़ने में आसानी पैदा हो रही है, बस उतनी रखनी है। तो अब हम करेक्टर की स्पेस शॉर्टकट की से बढ़ाएंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, F5 का बटन प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल के साथ F5 का बटन, कंट्रोल का बटन आपने दबा के रखना है और F5 को आपने दबाते जाना है हल्का हल्का। तो देख लेना आपने जहाँ तक इजीली आपको रीडेबल टेक्स हो वहाँ तक आपने इसको बढ़ा लेना है। तो ये तकरीबन मेरा रीडेबल टेक्स है, तो इस तरह से हम टेक्स के दरमियान जो है वो स्पेस बढ़ा लेते हैं। तो इसकी ज़रूरत तो उस वक्त पेश आती है, मैंने पहले भी बताया है अखबार के अंदर, या इसी तरह अगर आप कॉलेज या स्कूल के पेपर बनाते हैं ना, तो उसके भी उसमें भी आपके पास जो नीचे पेपर के 2 या 3 लाइनें जो है ना वो एक्स्ट्रा पेज पर चली जाती हैं, तो उन 2-3 लाइनों को एडजस्ट करने के लिए हम करेक्टर स्पेस या फिर लाइन स्पेसिंग को कम कर लेते हैं, जिससे जो है वो 2-3 लाइनें भी हमारी एक पेज पर आ जाती हैं। आई होप आपको ये करेक्टर स्पेस और लाइन स्पेस का पता चल गया होगा।